केटा पूरा मछा सब नगर खेत को पानी मछले फाल हम मावर हंटिंग होते गाइस दामी 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 हमी पूरा मऊर हंटिंग को ये राते माटे तीर आई राख है यहाँ से केटा पूरे मछा हंटिंग कर महेश मछा समाती रहा महेश लाइ मछा सोअप करम तो सब मांगुर हम से कैंटा काउंट कर किरण अजय हंटिंग महेश ने अर्क बना महेश ने अर्क बना ल हो विश्वास हंटिंग में जारी समीर भाई तिमीले मार्नु पर्छ है दामी 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 ल केटा अझै दामी शहर में छे हाम्रो दोस्तले हैन दिउँसो मारेको माछालाई हैन पोल्नको लागि यहाँ पूरा काटिराखेको छ टाउको काट्ने भनेर विचार गरिरहेको छ सोल्टीले फेरि जिउदे रहेछ न ये भाई एट जीवदी यार कस्तो चोल्टी रोक्ने दिम्ला 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 ल रोक हम फर्स्ट सर्ट में मारे हाई आशी ने हमें मारे वाला फर्स्ट स्टार्टिंग सर्ट में आशी वाला सोली तो मरी सको क्या हाई सुरू के यहाँ से मौर मछा कटिंग होते केटा यहाँ पूरे दाउरा संकलन करते हम विश्वास सर किरण सर समीर सर समीर सर पूरे जाड़ो भैर आ रही फिर यहाँ पूरी आगो ढाबी राख्स ल हम फायर नहीं रेडी होते आगो भी अब हम यहाँ फ्रेम बनाइ मछा पोल्न को लगी केटा सब वर्किंग पोजिशन में जतात है हम केटार मछा राखने जाली बुनी राख न हमें यहाँ मत मछा राखर चाहे आगो में पोलिं हम समीर भाई महेश अनि यहाँ विश्वास र हाम्रो किरण साथीले चाहिँ आगो व्यवस्था गर्दैछन् बुनी सक्यो ल रेडी भयो साथी खै देखाउ त कस्तो भयो ल दामी दामी ल रेडी छ आजकल यस्तो यो गुन्द्री चुन्द्री बुनी डोका बुनी प्रचलन चाहिँ सहरतिर हराइसक्यो छ अनि यहाँ चोया काटेर यो डोका यसरी नै बनाइन्छ रेडी भयो रफ स्केच मात्र यो चाहिँ डोका बुन्नेहरुको 20 मिनेट्समा चाहिँ फास्ट वर्कआउट हो यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो आगो बालेर यो पनि रेडी भइसक्यो कि 20 मिनेटमा चाहिँ सबै हाम्रो है 20 मिनेटमा चाहिँ सब गरिसक्यो अँध्यारो भइसक्यो छ हामीलाई घर जान ढिलो हाम्रो चाहिँ कोइला रेडी भयो हैन अब कोइलामा हामीले माछा हालिन्छ आगो निभाइदिम साथी ल माछा हालौँ त ल हाम्रो चाहिँ हामीले फ्रेममा जसरी खानु मन लाग्छ त्यसरी खा हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ सब मासु खाने यहाँ म मात्र भेज हो कि यहाँ फेरि खान्नुहोस् क्या जति खायो नि यति हो गरी पाउने खसेकोले टिप्नु पर्छ के लिएर बस्नु पर्यो नि त खस्दैन यो खस्छ कि यो दाइ पछि हालिदियो कि मैले खोइ ले त म यहाँ तलबाट यस्तो गर्छु गरेको माथि उठ्यो भयो डिवाएन कोइलामा पकाएर
अब यो चाहिँ हाम्रो यो माछा पुरा रेडी भइसक्यो। माछा पोलेर चाहिँ यसमा झिक्यो टक्क रेडी छ। हाम्रो चाहिँ हल्का मल्का मसलाहरू चाहिँ हालेर टेस्टी छ। खोइ यहाँ ल भएन ल पिसा सर्वी दादा।